लेवल का एडवाइज़र हूँ और मेरा मेन एजेंडा ये था कि जो ओपीएस है हमारे बिजली बोर्ड में अभी तक लागू नहीं की गई है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। मेरी सरकार से, मेरी सभी से प्रार्थना रहेगी, हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वहाँ शिमला से, कि ओपीएस जो है सबसे पहले लागू कर दी जाए और जितना भी कर्मचारियों का पेंडिंग एरियर है वो इमीडिएट जो है वो किस्त बाई किस्त ही वो उनको रिलीज़ किया जाए। इसी के साथ धन्यवाद। यूनिट ज्वाली की बैठक हमने शिव शंकर पैलेस लब में की है बनाई में, तो आज की मीटिंग में जो मुख्य एजेंडा रहा है इसमें तो एक जो ज्वाइंट फ्रंट ने 28 तारीख को पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया है, तो उसके माध्यम से हम आज की इस बैठक के माध्यम से प्रदेश सरकार से हम कहना चाहते हैं कि जो ज्वाइंट फ्रंट ने जो विषय उठाए हैं उन मांगों के ऊपर सरकार उसमें संज्ञान ले और प्रदेश सरकार जो है अपने ज्वाइंट फ्रंट के कर्मचारियों से या पदाधिकारियों से वार्ता करें। और उसमें जो ज्वलंत मुद्दा आज की डेट में है, बड़े बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आज की तारीख में बिजली बोर्ड में पेंशन जो है पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया, जो एक बहुत बड़ा विषय है और इसको लेकर के बहुत सारा आक्रोश बिजली बोर्ड में जो हमारा ज्वाइंट फ्रंट बना उसमें भी है और बाकी जो 51 पोस्ट है इंजीनियर की ख़त्म की है उसको लेकर के और जो 81 हमारे आउटसोर्स के ड्राइवर निकाले गए हैं, इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर के बड़ा आक्रोश लोगों में है। प्रदेश सरकार से हम मांग करते हैं कि आप इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें और ये जो ऑर्डर जो किया है इनको निरस्त करें। और नंबर दो, एक हम कहना चाहेंगे बात कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिजली बोर्ड को पैरों के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा, तो हम कहना चाहते हैं कि बिजली बोर्ड के पास बहुत पैसा है मगर करोड़ों रुपया आज बिजली बोर्ड ने IPH PWD और हेल्थ जैसे महकमों से लेना है। इसका मैं मोटा सा एक छोटा सा आंकड़ा भी आपको दूँ कि उस पैसे को तुरंत बिजली बोर्ड में जो है वो जमा करवाया जाए ताकि कर्मचारियों के पेंशनरों के बेनिफिट निकल सके। धन्यवाद। जय हिंद। जय कर्मचारी। पेंशन फोरम का यूनिट प्रधान ज्वाली का रामल भैया मेरा नाम है और पेंशन फोरम की डिमांडें हैं, एक एक 16 से जो रिटायर सेवानिवृत्त हुआ है उनकी ना तो एरियर मिला है, ना ग्रेजुटी मिली है, ना लीव इनकैशमेंट मिली है, वो मिलनी चाहिए और ना ही 75 वर्ष पूरा होने पर उनको पूर्ण एरियर मिला है। मेरी यानी कि सिफारिश करता हूँ केंद्रीय कार्यकारिणी यूनियन से और डिस्ट्रिक्ट बॉडी यूनियन से और हिमाचल सरकार से कि जल्दी से जल्दी इन रिटायरियों का लीव इनकैशमेंट, ग्रेजुटी का एरियर और 75 साल वर्ष पूरे होने पर बकाया राशि जो भी एरियर बनता है वो दिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, कांगड़ा।